आपने ये शब्द यूज करके कि हमने डोगरों को, राजाओं को हटाया, आपने डोगरों का अपमान किया है, आपने डोगरों को नीचा दिखाने की कोशिश किया। 1947 में भी हमारे महाराजा को गद्दी से हटा दिया गया है। उन डोगरों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे नेताओं के समर्थक हैं, इनकी पार्टी को समर्थन करते हैं, इनको वोट देते हैं। जिस डोगरे का खून इस स्टेटमेंट को सुन के नहीं खोला है वो डोगरा डोगरा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास पादा और आप सबका जम्मू कश्मीर की चुनावी चर्चा में फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के स्टार प्रचारक श्रीमान राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ है जो उन्होंने एक इलेक्शन स्पीच के दौरान दिया है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई कि 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। हमने यानी अपने आप को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला के साथ, क्योंकि उस समय के कश्मीर में एक कॉम्युनल आंदोलन शुरू किया था शेख अब्दुल्ला ने हिंदू महाराजा महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कि मुस्लिम बहुल्य कश्मीर में एक हिंदू महाराजा राज नहीं कर सकता। यह आंदोलन इस कॉम्युनल माइंडसेट से शुरू हुआ था और इस आंदोलन का समर्थन आज राहुल गांधी कर रहे हैं कि वहां के जो हिंदू महाराजा थे उनको हटा के इन्होंने कोट अनकोट लोकतांत्रिक सरकार बनाई। वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। सत्ता का हस्तांतरण नेहरू जी के दबाव में महाराजा हरि सिंह से शेख अब्दुल्ला को दे दिया गया और शेख अब्दुल्ला लोकतंत्र नहीं है। राहुल जी पहले ये कर लीजिए कि लोकतांत्रिक सरकार बिल्कुल नहीं थी, ये वो सरकार थी जिसमें एक शख्स यानी कि जो नेहरू जी का मित्र शेख अब्दुल्ला उसको पावर दे दी गई और उस शेख अब्दुल्ला ने उस लोकतंत्र का दुरुपयोग करके आगे क्या हालत की जम्मू कश्मीर की वो सब जानते हैं। लेकिन अभी मैं अपने आप को सीमित रखूंगा कि जो महाराजाओं को आपने हटाया और जो लोकतांत्रिक सरकार बनाई उसका एक एक उदाहरण, एक कंपैरिजन मैं आपको देना चाहता हूं कि क्या हटाया और कौन सी सरकार बनाई आपने। वो महाराजा जिन्होंने अपने समय में ये कहा कि जस्टिस इज माई रिलीजन, महाराजा हरि सिंह ने कहा, और उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो न्याय है वो मेरा धर्म है। उन महाराजाओं के कंपैरिजन में जो सरकार आपने बनाई उन्होंने हमेशा कम्युनलिज्म का प्रयोग किया, सबसे पहले हिंदू महाराजा के खिलाफ आंदोलन करके और उसके बाद जो भी उन्होंने हरकतें की हैं कम्युनल बेंट ऑफ माइंड से, उसकी मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। क्योंकि जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में आए हुए हिंदू और सिख शरणार्थियों को जो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में समय समय पर आए उनको कभी भी सिटीजनशिप का अधिकार नहीं दिया, उनको कभी भी इन्होंने जो है यहां वोटिंग का अधिकार नहीं दिया और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती रही क्योंकि वो हिंदू और सिख थे। इसके कंपैरिजन में इन्होंने 1982 में, इन्हीं शेख अब्दुल्ला ने जिनके लिए ये बोल रहे हैं, हमने 1982 में एक रीसेटलमेंट बिल पास करके ये अधिकार दिया कि जो मुस्लिम लोग 1947 में जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान चले गए थे वो वापस आके अपना सिटीजनशिप राइट ले सकते हैं और अपने प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं। ये सरकार जो थी लोकतांत्रिक, ये बनी राहुल गांधी जी और उन महाराजाओं को हटाया जिन्होंने कभी धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। दूसरी एग्जांपल, वो महाराजा जिनको आपने हटाया उन्होंने दलितों के लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए, जो छुआछूत की प्रथा थी उसके अगेंस्ट उन्होंने कानून लाए कि सभी दलित जो हैं वो मंदिरों में आ सकते हैं और उनको एक इक्वल दर्जा दिया, उनके राइट्स सुरक्षित रखे। लेकिन उन महाराजाओं को हटा के आपने वो सरकार बनाई जिन्होंने
दलित वाल्मीकियों को जिनको पंजाब से 1957 में यहां लाया गया और अगस्त 2019 तक उनको कोई भी सिटीजनशिप राइट नहीं दिया। हम सबने राधिका गिल नाम की एक एथलीट का नाम सुना है, उसकी स्टोरी बहुत वायरल हुई थी कि वो वाल्मीकि समाज की लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, उसको यहाँ की सिविल सर्विसेज में जो है वो अप्लाई करने के लिए नहीं कर सकती थी, वंचित रखा गया क्योंकि उसके पास सिटीजनशिप यहाँ की नहीं थी। और यहाँ के कानून के हिसाब से जो सरकार आपने लाई, दलित विरोधी सरकार, उस सरकार के कानूनों के हिसाब से, आर्टिकल 35 के हिसाब से, वो वाल्मीकि समाज की बच्ची सिर्फ यहाँ पे सफाई कर्मचारी बन सकती थी, चाहे वो जितनी मर्जी पड़ जाए। ये आपने हालत की थी यहाँ के दलितों की, उनको हक तक नहीं दिया, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन के रह सकते थे। आपने ये लोकतांत्रिक सरकार लाई जिसने दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की, धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन की, और उन महाराजाओं को हटाया जिन्होंने दलितों को बराबर के राइट्स दिए। और बात करें, वो आपने उन महाराजाओं को हटाया जिनके रूल के दौरान जम्मू कश्मीर कॉम्युनल हार्मनी से भरा हुआ था और यहाँ पे सबसे पीसफुल इलाका था, और उनको हटा के आपने वो लोकतांत्रिक सरकार लाई जिनके संरक्षण में जो है 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित कश्मीर से पलायन कर गए, उनका जिनोसाइड हुआ और वो पलायन कर गए क्योंकि वो हिंदू थे। ये आपने किया उन महाराजाओं को हटा के और ये लोकतांत्रिक सरकार लाके। और बताएं कि वो महाराजा जिन्होंने जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज को, महाराजा गुलाब सिंह ने और जनरल जोरावर सिंह ने, तिब्बत तक, चीन तक, रूस तक जिन बाउंड्रीज को एक्सपैंड किया, उन महाराजाओं को हटा के आपने वो लोकतांत्रिक सरकार लाई जिसके दौरान जो जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज जब पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया जम्मू कश्मीर के हिस्से को, और जब भारत की सेना उनको रिकैप्चर कर रही थी, तो इसी लोकतांत्रिक सरकार के जो मुखिया शेख अब्दुल्ला के कहने पे जो नेहरू जी ने सीज फायर डिक्लेयर की थी, उसके कारण जम्मू कश्मीर का इतना हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया जो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, और वही उसका हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया जिसको चाइना ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बोलते हैं। ये सरकार उन महाराजाओं को जिन्होंने जम्मू कश्मीर को फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचाया, आपने वो लोकतांत्रिक सरकार लाई जिन्होंने जम्मू कश्मीर का के अर्श तक पहुंचाया, आपने वो लोकतांत्रिक सरकार लाई जिन्होंने जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही गवा दिया। तो आपने इस तरह का स्टेटमेंट देखे, क्योंकि ये डोगरों की बनाई हुई स्टेट थी, ये महाराजा गुलाब सिंह जो एक डोगरा थे उन्होंने इसको बनाया, इसको सींचा, और डोगरों ने 100 साल तक एक प्रोग्रेसिव रूल किया। आपने ये शब्द यूज करके कि हमने डोगरों को, राजाओं को हटाया, आपने डोगरों का अपमान किया है, आपने डोगरों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। 1947 में भी हमारे महाराजा को गद्दी से हटा दिया गया, उनको राज्य से बाहर निकाल दिया गया एक षड्यंत्र के तहत, और उनको कभी वापस नहीं आने दिया गया, केवल उनकी अस्थियां आई, उनका अंतिम संस्कार भी यहां नहीं करने दिया गया। ये डोगरों का घोर अपमान था, और आज आपने ये स्टेटमेंट देके डोगरों के जख्मों को फिर से कुरेदा है। उन डोगरों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे नेताओं के समर्थक हैं, इनकी पार्टी को समर्थन करते हैं, इनको वोट देते हैं। जिस डोगरे का खून इस स्टेटमेंट को सुन के नहीं खोला है, वो डोगरा डोगरा नहीं है। और मैं राहुल गांधी जी को वार्न करना चाहता हूं कि आगे की स्पीचों में यदि आपने डोगरों के खिलाफ कोई इस तरह का स्टेटमेंट देने की कोशिश की, तो डोगरे चुप नहीं रहेंगे, आपको पूरा उसका जवाब मिलेगा। मैं सभी जम्मू वासियों से, डोगरों से विनती करना चाहता हूं कि ऐसे डिवाइजिव माइंडसेट वाले नेताओं को यहां कोई समर्थन ना दें, और आने वाले असेंबली चुनाव में सोच समझ कर वोट डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।